लाइव शो आयुर्वेदा हील्स लाइव विद डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान। आज के टॉपिक के बारे में मैंने कल राइट नाइट में नोटिफिकेशन आपको डाला था, बिकॉज कुछ इश्यूज की वजह से, बिकॉज पेशेंट की वजह से मैं पेशेंट नोटिफिकेशन पहले नहीं डाल पाया आपके लिए। सो आपको टॉपिक के बारे में एग्जैक्टली मालूम होगा और मुझे लगता है शायद कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे पेशेंट लास्ट में या मुझसे कॉल करके पूछते भी थे कि सर इस टॉपिक के बारे में ही कि सर हम अगर ऐसा होता है या इसके बारे में भी एक लाइव करें जिसमें हम पेशेंट को ये मालूम पड़ सके कि हम किस हिसाब से, या अगर ये ऑप्शन होता है तो उसमें कैसे हम रिकवरी कर सकते हैं अगर ऑप्शन है। बिकॉज वैसे बेसिकली तो अगर हम बात करें अपनी, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी से बचा सकें। हमारा एम यही रहता है कि हम पेशेंट को सर्जरी से रिमूव, सर्जरी से अवॉइड करा सके उनको, उन पेशेंट्स को जिनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए रिकमेंडेशन दिया है। दैट इज द थिंग। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट भी पूछते हैं कि सर सर्जरी अगर डिले भी होती है तो ऑलमोस्ट क्या वो लंबे समय तक डिले हो सकती है? ऐसा तो नहीं है कि मेरा रिकवरी होने के बाद में फिर से प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस रहे? ये क्वेश्चन सभी पेशेंट के मन में आता है। और क्या आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके बाद में भी AVN आने के चांसेस रहेंगे, या अगर आएंगे तो फिर क्या मुझे बाद में रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है। कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं पेशेंट या कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए अपना, तो सभी के मैक्सिमम सभी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो पिछले जो पेशेंट्स जिनको हमने पूरी तरीके से रिकवर किया है इन द MRI, आपने देखा होगा, और इन द एक्सरे, तो वो पेशेंट आज पूरी तरीके से नॉर्मल है। उनके में कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है जिससे उनको रिप्लेसमेंट करवाना पड़े इन फ्यूचर। बट ऐसा होता है कि जो पेशेंट अच्छे से फॉलो कर रहे होते हैं, सब चीज़ों को ध्यान से समझ रहे होते हैं, या जैसा उनको प्रॉब्लम होती तुरंत वो मुझसे पूछते हैं या अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको रिजॉल्व करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में काफ़ी ईजी रहता है हमारे लिए, और उनको रिजॉल्व करने के बाद रिलीफ भी काफ़ी अच्छे से मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं पेशेंट को अच्छे से समझना होता है। हम सभी पेशेंट्स के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, पेशेंट बहुत अच्छे पेशेंट होते हैं जो हर चीज़ को पूरी रिलीजियसली हर चीज को फॉलो करते हैं, ऐसे पेशेंट भी बहुत देखे हैं मैंने। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो पेशेंट केवल जस्ट लाइक कि अब रिलीफ नहीं है तो फिर उसको छोड़ो, देन कुछ और ट्राई करते हैं, देन रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका माइंड सेट ऐसा होता है कि बिकॉज दे हैव मनी सो वो उस चीज को रिप्लेसमेंट की तरफ मूव करने के लिए सोचते हैं, एक्सेप्ट कि हम इस ट्रीटमेंट के थ्रू आयुर्वेद से कवर कर सकें उस चीज को, क्योंकि उनको लगता है कि दैट इज अ बेस्ट ऑप्शन, हम इसको ट्राई कर लेते हैं, व्हाई वी आर गिविंग टाइम टू द आयुर्वेदा और अनदर एनी अदर साइंस। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को टाइम दे रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं, बहुत सारे पेशेंट रिप्लेसमेंट के भी आपने वीडियो मेरे यूट्यूब पे देखे होंगे, बहुत सारे पेशेंट को नॉर्मली ऑपरेशन जो आपने देखा होगा, कोर्ट कंप्लेशन, स्टेम सेल, ये सब कराने के बाद में भी पेशेंट आते हैं, तो उनकी कंडीशन के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में आपने सुना होगा कि क्या चेंजेस मिले उनको और कैसे वो पेशेंट को प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बजाय बढ़ गई। ये कुछ इश्यूज आज के टाइम पे मुझे देखने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई हम इस लाइव को इस क्वेश्चन के थ्रू या इसमें हम कनेक्ट कर पा रहे हैं आज इस टॉपिक को आज आपके साथ में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि लास्ट टाइम जब मुझे इस चीज के बारे में बताया पेशेंट ने कि सर ऐसा पेशेंट आते हैं, या एक डॉक्टर से भी मेरी बात हुई लास्ट जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, मैं उनका भी एक फीडबैक आपको शेयर करूंगा। ही इज फ्रॉम आंध्रा एंड वो आंध्रा से, दैट वाज द फर्स्ट ट्रीटमेंट व्हेन आई वाज जस्ट इन माय हॉस्पिटल, ही केम टू माय हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, बेसिकली ही वाज सर्जन। सो अब उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए, तो केवल सर मैंने कहा कि आप खुद एक ऑर्थोपेडिशियन या सर्जन है, जनरल सर्जन है, तो व्हाई यू आर गिविंग टाइम इन आयुर्वेदा? तो दैट इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है ना कि मैंने भी उनसे पूछा, क्योंकि वो खुद सर्जन थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा टाइम क्यों दे रहे हैं जब आप खुद एक सर्जन है? तो उन्होंने बोला कि सर अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं बात करूँ अपनी, तो वो सर्जरी इज नॉट द ऑप्शन फॉर ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। ये तो अब ऐसा होता है कि अगर फ्रैक्चर नेक है, किसी का टूट गया है, बॉल गिर गया है, कोई उसका फ्रैक्चर हुआ है, देन दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अदरवाइज इन एनी डिजीज, मीन्स आर्थराइटिस,
इन्हें वैस्कुलर नेक्रोसिस। इसमें ऐसा नहीं है कि हम केवल सर्जरी के थ्रू उस चीज को रिमूव करते हैं, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। मैं उनका फीडबैक भी आपको शेयर करूंगा देन, बिकॉज अभी मुश्किल से 5-10 दिन पहले गया, तो मैं उनका फीडबैक एक जो उन्होंने बोला है उसको मैं शेयर करूंगा, और क्या एक्सपीरियंस रहा रिगार्डिंग माई ट्रीटमेंट तो वो भी मैं शेयर करूंगा आपको। सो जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उन सभी के लिए, एंड हाँ आप सभी लोगों ने मुझे मुझे ब्लेसिंग्स दी, एंड मुझे बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप सब लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास। लास्ट मैं देखा जब मुझे अवार्ड में ऑनर मिला था मुझे, तो इंडिया बेस्ट डॉक्टर फॉर इन आयुर्वेदा, सो उसमें आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, जिसकी वजह से थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। एंड आप सभी की वजह से ही, आपके आपके ट्रस्ट की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से मैं आज इस कंडीशन में, आज इस अवार्ड को मैं लेने के लिए वहां पहुंच पाया दिल्ली में। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। मुझे लगा कि आज लाइव में ये बात बोलनी चाहिए, उसके बाद मैं लाइव आया था वहां पर जब मुझे अवार्ड मिल रहा था, तो क्योंकि शायद कुछ क्राउड या कुछ वॉइस की वजह से आपको मेरी आवाज सही से समझ में नहीं आई होगी, बट मैंने सोचा कि इस लाइव जब करूंगा मैं तो आपको सभी को फीडबैक अप्रिशिएशन भी आपने जो मुझे दिया है उसकी वजह से मैं आप वहां पे अवार्ड को एक्सेप्ट कर पाया। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। एंड हाँ जो टॉपिक था मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, एंड जो भी लोग क्वेश्चन में लाइव पूछना चाहते हैं बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम कनेक्टेड, एंड आपके जो भी क्वेश्चन हैं इस लाइव के इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे आंसर करूंगा। सो अब जो पेशेंट पूछते हैं, जिनका ट्रीटमेंट, जिनका सर्जरी जिनका हो जाती है, उन पेशेंट के लिए जिनका ऑपरेशन एक रिप्लेसमेंट, जैसे कि हिप आपने देखा होगा, हिप में एक हिप रिप्लेस हो गया, देन वो सेकेंड सेकेंड हिप के लिए या अनदर या हिप के बचाने के लिए कि वो रिप्लेस ना हो, देन वो मेरे पास आते हैं। क्योंकि नो नॉलेज नहीं होता है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हैं जिनको जिनमें रिकवरी चांसेस अच्छे होते हैं, जिनमें ऐसे चांसेस भी होते हैं जो पेशेंट को पूरी तरीके से सर्जरी से बचा सकते हैं। सो अब जब बातें हैं तो वो वही पूछते हैं कि सर क्या सर्जरी के बाद में हम पेशेंट का ट्रीटमेंट आपके यहाँ पॉसिबल है, मीन्स एक हिप में सर्जरी हो चुकी है और दूसरे हिप के लिए हम आपके पास आए हैं, तो क्या ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि सर एक हिप में अब अगर हो गया है प्रॉब्लम या एक रिप्लेसमेंट हो गया है, तो इस ट्रीटमेंट को लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे रिप्लेस्ड हिप में? तो इसलिए मैंने बताया कि आपको जो रिप्लेसमेंट वाला लेग है हम उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऑलरेडी रिप्लेसमेंट हो चुका है उसमें, बिकॉज ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर है। एंड जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो पूरी तरीके से सेफ है, जिनमें कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल, ये सब सर्जरीज हुई हैं, उनके ट्रीटमेंट हम इजीली कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, और बिल्कुल बेसिकली आप ट्रीटमेंट के लिए आराम से आ सकते हैं, जो पेशेंट को रिप्लेस हुआ है एक हिप वो भी आराम से ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं, पूरा सेफ रहेंगे वो, कोई भी इश्यू इसके रिप्लेस नहीं हिप में नहीं आएगा, बिकॉज आई विल नॉट टच दैट रिप्लेस्ड हिप। ओके सो अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे इस लाइव के थ्रू पूछ के अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पा सकते हैं। जो पेशेंट मेरे ओल्ड हैं, जो मुझसे फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट लेके जा गए हैं, जिनको सेकंड विजिट जिन्होंने करी है, जिन्होंने अभी जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं पहली बार, एंड दे वांट टू कम टू माय हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, सो वो सब लोग अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स मुझे इस लाइव में अपने बोल सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी वन बाय वन लेके क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप रेगुलरली इसमें पूछ के आप मुझे बता सकते हैं। सो देसी गेमिंग येट, सो गुड मॉर्निंग देसी गेमिंग, ओके वेरी गुड मॉर्निंग शाह नरेश, वेरी गुड मॉर्निंग नरेश, आई एम यूर ऑल्सो यूर इन हॉस्पिटल राइट नाउ, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन लाइव, एंड आफ्टर दैट आफ्टर दिस लाइव यू कैन कम टू माई चैम्बर, ओके इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो अनिल कुमार, गुड मॉर्निंग अनिल। जलील अहमद आजम अली हैदराबाद से, सर मेरे दोनों पाँव में बहुत पेन है। जलील अहमद आजम अली, आप मुझे एक काम करिएगा, जस्ट मुझे अभी अपना जो कि मैंने आपसे बात करी है मॉर्निंग में ही आज, तो आप एक काम करिएगा, मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे फॉलो करिएगा, एंड उसके बाद भी कोई इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है कि अभी कुछ दिन तक ऐसे करना होगा, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट को एक क्वेरीज इस समय आ रही हैं कि सर
एकदम ठीक होने के बाद में कुछ विंटर्स में थोड़ा बहुत इश्यूज स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने एक इसके जस्ट पहले ही एक लास्ट संडे मैंने एक लाइव किया था विंटर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो आप सभी के लिए, आप सभी लोगों के लिए वो विंटर्स के रिगार्डिंग लाइव था, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस को चेंज किया हुआ है, तो आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने उस लाइव में ये बताया था कि आपको लाइट एक्सरसाइजेस के लिए बताऊंगा मैं, या आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इजिली बना रहे, बिकॉज इन विंटर्स स्टिफनेस बढ़ जाती है क्योंकि सम एटमोसफियर चेंजेस, क्योंकि एटमोसफियर में चेंजेस आते हैं, स्टिफनेस बढ़ती है, तो ब्लड फ्लो आपका इजी जैसे गर्मियों में होता है वैसा नहीं हो पाता। इस वजह से मैंने कहा था कि आपको मैं लाइट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे उस चीज को कवर कर सकते हैं, स्टिफनेस को कैसे रोक सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज का वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, एंड आप उस प्रिकॉशंस को जरूर देखिएगा जिससे आपको पेन में काफी रिलीफ लगेगा। बहुत सारे पेशेंट को ऐसे इश्यूज आ रहे हैं स्टार्टिंग, अभी मैंने क्योंकि ये शुरू हुआ है अभी, तो पेशेंट की कॉल्स आना स्टार्ट होंगे कि सर मैं पूरी तरीके से फिट हूँ एकदम, बट ये कुछ विंटर्स की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इस वजह से मैंने पेशेंट को बोला कि आप इस वीडियो को फॉलो करिए, या इस तरीके से आप वीडियो को फॉलो करके अपने आप को रिलैक्स फील कर सकता है। सो विपिन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग विपिन। मनोरंजन, वेरी गुड मॉर्निंग मनोरंजन। शाहनवाज, वेरी गुड मॉर्निंग शाहनवाज। सचिन चोलके, वेरी गुड मॉर्निंग सचिन। अमोल बड़ा गया, सर कौन से स्टेज तक एवियन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? होता है अमोल, देखिए ऐसा होता है कि इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट स्टेजेस, पेशेंट फॉलो अप, एवरीथिंग, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो इन सभी को देखने के बाद जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं एंड पेशेंट को फॉलोअप में रिकवरी मिलती है, उस हिसाब से पेशेंट को हम उनको चीजों को बताते हैं कि आपको ऐसे फॉलो करना है, या आपको इस तरीके से अपने अपने में ध्यान रखना है जिससे आपको उस तरीके से रिकवरी मिलती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट के, अभी एक रिसेंटली मैंने MRI चेंजेस के बारे में आपको बताया था, एंड आपने वीडियो भी देखा होगा उनका कि हमने कोई कंप्रेशन के बाद में भी पेशेंट को पूरी तरीके से नॉर्मल किया। हमने सेकंड स्टेज के पेशेंट, थर्ड स्टेज के पेशेंट, फोर्थ स्टेज के पेशेंट को भी हमने रिवर्स किया एंड नॉर्मल किया। सो ये डिपेंड करता है उन पेशेंट्स के ऊपर भी, जो पेशेंट अच्छे से हर चीज को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से रिलीजियसली हर चीज को फॉलो करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो उन पेशेंट को भी रिकवरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। लॉट्स ऑफ पेशेंट। शिरीष दोरे, गुड मॉर्निंग शिरीष। ब्रजदास, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रजदास जी। अनिल कुमार, सर मीठा खा सकते हैं क्या? अनिल जी, मीठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर, क्योंकि हर कंडीशंस में मैंने अवॉइड करने का बोला है पेशेंट को, लेकिन कुछ पेशेंट्स को मैंने बोला है कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, इजिली इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। बिकॉज जब आप मेरे पास हॉस्पिटल में हो थे, जब मैंने आपको डिस्चार्ज किया था, तो मैंने आपको चीजों के बारे में बताया था कि इस तरीके से आप फॉलो करेंगे तो रिकवरी के चांसेस बढ़िया रहेंगे, अच्छे हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर कि अगर आपको ऐसे इश्यूज हैं या प्रॉब्लम इस तरीके के, जब जैसा मैंने आपको फॉलो अप के लिए बताया था वैसा ही एनर्जी फॉलो करेंगे, बिकॉज ये लाइव जो हम कर रहे हैं ये पेशेंट टू पेशेंट ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट आ सकता है, ना कि एक सिमिलर एक सब चीज को बताया जाए वो सब पेशेंट फॉलो कर, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि सभी के पेशेंट की कंडीशंस अलग अलग हैं, सब में रिकवरी के जो क्राइटेरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उनका फॉलोअप भी अलग अलग होता है। इसीलिए डॉक्टर्स की बहुत जरूरत होती है जब आप किसी भी पेशेंट, जब आप किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं या करा रहे होते हैं किसी भी चीज से, किसी भी जगह से, तो आपको डॉक्टर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस चीज में रिकवरी कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इम्पॉसिबल टू रिकवर एवास्कुलर नेक्रोसिस लाइक डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस इतना जल्दी रिकवर नहीं हो सकती अगर आपके पास डॉक्टर गाइडेंस नहीं है तो। अनिल कुमार सर, संदीप सर, गुड मॉर्निंग संदीप। शंकर क्षीरसागर, गुड मॉर्निंग शंकर। शौकत हुसैन, सर जी एक्सीडेंट से अगर हिप फ्रैक्चर हुआ हो और फिर एवीएन हुआ है तो ठीक हो सकता है? शौकत हुसैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, आपका जो एक्सीडेंट हुआ
उसमें अगर आपके हिप में फ्रैक्चर है तो आपने अगर रिप्लेस करवाया है, क्योंकि एक ऑप्शन रिप्लेसमेंट का रहता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि गियरस आपने स्क्रू इंसर्ट करवाए होते हैं। मान लीजिए नेक फ्रैक्चर हुआ है आपका हिप एक्सीडेंट में, तो नेक फ्रैक्चर में या तो आपको बॉल पूरा बॉल रिप्लेस कराना पड़ता है, अगर वो पूरी तरीके से क्रश हो गया, पूरा बॉल पूरी तरीके से डैमेज हो गया, तो वो देयर इज वन ऑप्शन ओनली रिप्लेसमेंट। ओके, अगर वो फ्रैक्चर नेक है, नेक से फ्रैक्चर हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन डीआरएस का होता है। डीआरएस मींस स्क्रू इंसर्ट करते हैं। सो अगर फ्रैक्चर नेक में आपका रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप रिप्लेसमेंट हो गया है, तो उसमें हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप में स्क्रू पड़े थे, स्क्रू इम्प्लांटेशन हुए हैं, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे केसेस के बारे में आपने देखा होगा, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखे हैं। सो बस आपकी शौकत, आपकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आपके दैट मैं आपको रिवर्ट करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जगलाल भारती, वेरी गुड मॉर्निंग जगलाल। ओपू सर, कैन आई टेक हनी इन द मॉर्निंग विद हर्बल टी? ओपू, बस फिलहाल ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, हनी यू हैव टू अवॉइड बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज, बट इन ग्रीन टी यू कैन ऐड सम हाफ टी स्पून हनी विद योर ग्रीन टी रेगुलरली, यू कैन टेक इजिली, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को इन ऑलरेडी आई जस्ट टोल्ड यू इन द इन माई डाइट प्लान वीडियो, यू कैन टेक हनी विद द सिनेमन पाउडर इन द ग्रीन टी। सो आप बिल्कुल ले सकते हैं, दैट इज अ गुड थिंग, बट रेगुलरली अगर आप लेना चाहें तो कुछ समय तक लीजिए, देन उसको आपको अवॉइड करना है। होता क्या है कि हनी के बारे में अगर आप सभी लोगों को बता दूं, तो हनी को गर्म में यूज नहीं करना चाहिए बेसिकली मेरे हिसाब से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आप हनी को गर्म पानी में डाल के पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं, तो वो बेनिफिशियल इतना नहीं रहता है। आपको अवॉइड करें गर्म से, आपको गर्म पानी में या गर्म चीजों में हनी को डाल के प्रयोग नहीं करना चाहिए बेसिकली। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है? और हनी लेने से कोई इश्यू नहीं आएंगे, आप अगर ले रहे हैं तो आपको बहुत रिलीफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या आपको बस टेस्ट में चेंजेस आएंगे, तो अगर आप हनी ना लें तो बेटर रहेगा। शाहरुख, 4 व्हीलर 4 व्हीलर चला सकते हैं? शाहरुख, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझे बताना है कि 4 व्हीलर आप जो चला रहे हैं, आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मैंने बेसिकली आपकी कंडीशंस में बताया था कि आप ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर इजीली चला सकते हैं, और कोई इश्यू नहीं आ रहा है, तो आप इसको प्रोलॉन्ग भी इजीली कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है इसमें। मुकेश कुमार सर, राइट साइड में कट कट की तेज आवाज आती है, क्या करें? मुकेश, ऐसा होता है कि अगर राइट साइड में, 1 सेकेंड, राइट साइड में अगर कट कट की तेज आवाज आ रही है, तो मुझे, मैंने बताया पहले भी कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो बेसिकली आपके जॉइंट की वजह से आ रही है, या आपको वहां पे बबल्स हैं नाइट्रोजन्स के इस, या गैसियस बबल्स जिसे बोलते हैं, तो उस वजह से भी आ सकती है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप फोकस करिएगा अपने एक्सरे को देखते हुए, देन आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप में एक्सरे अपने करा के मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुकेश कुमार सर, दिलीप नंदेड़ा सर, चल सकते हैं तो चल नहीं पाते हैं, दर्द होता है, पाँव लचकता है, इसकी है सर, इसकी हमारा ही रिपोर्ट नॉर्मल कितने महीने में हो जाता है, हो जाती है? दिलीप जी, पहले तो मुझे आपकी रिपोर्ट, पहले मुझे व्हाट्सएप करिए कि आपकी रिपोर्ट में क्या इश्यू है, किस किस वजह से आपके पैर में लचक आ रही है, या आपको कमर में कोई इश्यू तो नहीं है, या आपको एवियन में कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी ग्रेड है, इसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कैसे हम इस चीज को रिकवरी कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। दत्ता महिंद्र सर, गुड मॉर्निंग दत्ता। किशोर, गुड मॉर्निंग सर, ग्रीन टी में लेमन ग्रास उबाल कर पी सकते हैं? देखिए किशोर, अभी फिलहाल तो मैंने लेमन के लिए या लेमन ग्रास को अभी अवॉइड करने का बोला है। आप ग्रीन टी एग्जैक्टली बहुत अच्छा, मतलब आप रेगुलरली अगर आप लेंगे ग्रीन टी को, तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद रेगुलरली यूज करता हूँ, तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो बहुत
अगर आप रेगुलरली उस चीज को यूज करेंगे तो आपको काफी बेटर फील होगा, आप उसमें कुछ ऐड करने का नहीं सोचेंगे। आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि आप उसमें सिनेमन पाउडर, दालचीनी का थोड़ा सा, बहुत लाइट, बहुत कम क्वांटिटी में आप यूज करेंगे उसमें, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दालचीनी को भी रेगुलरली बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो भी आप कुछ दिन तक स्टॉप करके देन फिर अगेन स्टार्ट करेंगे, है ना, अगर आपने बहुत लंबे समय से दालचीनी के साथ में ग्रीन टी ले रहे हैं तो। क्योंकि किसी भी चीज के लिए अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि उसके कुछ इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बिकॉज बहुत लंबे समय तक कोई भी, इन आयुर्वेदा, आप कोई भी मेडिकेशन को यूज नहीं करें, और अगर हम हर्बल लाइफ की बात करें या हर्बल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी पेशेंट लंबे समय तक कोई भी मेडिकेशन चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ दिन तक स्टॉप करके देन अगेन स्टार्ट करें, उसके रिकवरी, उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं उस टाइम पे। शाहनवाज सर, आपने विंटर सीजन में शल्लाकी मेडिसिन खाने के लिए बोला है, आपकी मेडिसिन के साथ में खाना है या कोई और किसी कंपनी के लिए? शाहनवाज देखो, ऐसा मैंने कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे जब मैंने आप यूट्यूब लाइव मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने सभी के बारे में बताया था कि अगर शलाकी या पेन में इंफ्लामेशन है अंदर तो आप शलाकी ले सकते हैं। शलाकी आपके नियर बाय आयुर्वेदिक स्टोर में इजिली अवेलेबल है। कुछ ब्रांड्स के नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि शलाकी आपके हिमालय फार्मा में भी आता है, हिमालय फार्मेसी जो कि आयुर्वेदा फार्मेसी है, आप के नियर बाय एरियाज में, नियर बाय मेडिकल स्टोर में भी इजिली अवेलेबल है, तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा, शलाकी एमआर एक फार्मेसी है, एक एमआर फार्मेसी में आते हैं, आप उसको नेट पे या अमेजोन पे या आप अपने फ्लिपकार्ट पे भी आप उसको देख सकते हैं, और अपने घर पे भी 1 mg में भी अवेलेबल है वो। 1 mg एक एप्लीकेशन फॉर मेडिकेशन फॉर ड्रग्स, तो आप बिल्कुल उसको ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं। शलाकी एमआर एंड हिमालय शला की, ओनली शला की। ऋतु कश्यप, वेरी गुड मॉर्निंग ऋतु जी। शाहनवाज सर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन फॉर अवार्ड विनिंग। थैंक यू सो मच शाहनवाज फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड फॉर योर वेल विशिंग सो टू मी। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, नॉट शाहनवाज, टू ऑल ऑफ यू, जिसने मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, थैंक यू सो मच। मैं अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बिकॉज आपके ट्रस्ट की वजह से ही मुझे ये अवार्ड मिला, थैंक यू सो मच। नेपियर टोड़ी वाला सर, नमस्कार डॉक्टर, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ, मुझे एवियन फोर्थ ग्रेड है राइट पैर में, और वहाँ थोड़ा थोड़ा पतला होने लगा है और बहुत दर्द हो रहता है, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं, क्या हो क्या, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। नेपियर सर, आप एक काम करिए, नेपियर जी आप राजस्थान से, आप एक काम करिए, आपका रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप करिए, या फोर्थ ग्रेड में है तो मुझे एक्सरे भी आप फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको व्हाट्सअप पे एडवाइस कर सकता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रीटमेंट में फॉलोअप कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। वनराज, डॉक्टर वनराज सिंह सोलंकी, गुड मॉर्निंग वनराज, होप यू आर फाइन। नेहा आसिफ, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। जब मैं जब से आपके मेडिसिन यूज कर रही हूँ मेरा हिप जॉइंट में काफी आराम है, दोनों नीज का पेन भी कम कम नहीं है, काफी कम है, पर दोनों नीज का पेन कम नहीं है। जब से मैं मेडिसिन यूज कर रही हूँ तो आप मेरा हिप जॉइंट में काफी आराम है, काफी पेन कम है, पर नीज का पेन कम नहीं है। तो उसके लिए नेहा आसिफ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर नी में पेन आ रहा है तो हो सकता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस इन द नीज, मे बी, बिकॉज ऐसा पेशेंट बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि सर हिप में तो आराम मुझे हो गया है आपके ट्रीटमेंट के बाद में, बट नीज में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप मुझे नी का एक्सरे करा के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम उसमें ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये नी में इश्यूज आ रहे हैं या अदरवाइज ये पेन आपको हिप से ही रिफर्ड हो रहा है इन द नीज। सो हम इसको देख कर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेस हैं, कैसे हम इसमें या इसमें क्या हम सोल्यूशन दें जिससे आपको नी का पेन भी कम हो जाए। सो आप मुझे अपना नी का एक्सरे व्हाट्सएप करेंगे। कमलेश देशमुख, वेरी गुड मॉर्निंग कमलेश। ब्रजदास सौरभ ठाकरे, गुड मॉर्निंग सर। सर शाहरुख सर, फोर व्हीलर चला सकता हूँ? शाहरुख अभी
मैंने आपको बोला है तो आप थोड़ा वो चला सकते हैं इजिली, कोई इश्यू नहीं है सर। कोलेजन ले सकते हैं बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज इट इज अभी इसमें एक ऐसी पेप्टाइड्स होते हैं इसमें, जैसे जो आपके जॉइंट्स को इम्प्रूव करते हैं, जॉइंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जॉइंट को सपोर्ट देते हैं, तो ये इजीली आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। सचिन चोलके सर, गुड मॉर्निंग सचिन, वेरी गुड मॉर्निंग। शौरिस रॉय सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड सर। आई एम फॉलोइंग योर डाइट एक्सरसाइजेस एंड मेडिकेशंस वेरी रिलीजियसली, होपिंग फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सो थैंक यू सो मच शौरिस रॉय। सो ऐसा होता है कि शौरिस, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं थैंक यू सो बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आपने मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। एंड जस्ट आपने मुझसे बोला कि आप फॉलो कर रहे हैं डाइट एंड एक्सरसाइजेस मेडिकेशंस, सो डेफिनेटली नॉट होपिंग, आप बिल्कुल बिलीव करिए, आपको बिल्कुल रिलीफ होगा। एंड आप अच्छे सब चीजें फॉलो करिएगा, जस्ट बिकॉज मैंने आपका रिसेंट में जब आपने अपना डिस्चार्ज किया था तो मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि ये कंडीशंस में हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, या ये कंडीशन है, ये एक्चुअल कंडीशन है आपके हिप की। जब आप एडमिट थे तो बहुत सारे पेशेंट की रिकवरी भी आपने देखी होगी, तो उस सिचुएशन में जो पेशेंट अच्छे से हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को फोकस करते हैं, उनकी रिकवरी अच्छे से मिलती है। आपकी कंडीशंस में थोड़ा सा डिजनरेशन नेक में या हिप में हुआ था, बॉल में, तो आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा, बहुत और अच्छे से फॉलो करना होगा इसमें। किरण बी एस अभी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। किशोर, 21 नवंबर को हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा 100%, 20 नवंबर को ट्रेन है, टिकट भी कंफर्म हो गया है। ओके किशोर, आई एम अवेलेबल दिस हॉस्पिटल, तो आप मुझे, आप बिल्कुल आ सकते हैं 20 तारीख को, मैं भी आपसे मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा, क्योंकि नवम्बर को मैं अवेलेबल हूँ हॉस्पिटल में। कुमार अंजन सर, आप अपना एक ट्रीटमेंट का लाइव या ट्रीटमेंट का वीडियो डालते सर, नहीं मिला से एक भी वीडियो, एक्चुअल क्या क्या होता है और डेली, और एक और दो टाइम करते हैं, समय कितना देते हैं? अंजन कुमार, देखिए ऐसा होता है कि जस्ट आई डोंट वांट टू शेयर द लाइव वीडियो ऑफ द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट का ट्रीटमेंट हम अप्लाई कर रहे होते हैं, सो बिकॉज बहुत सारे पेशेंट मेरे इस लाइव में, मेरे ओल्ड पेशेंट भी कनेक्ट हैं, आप उनसे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि सर, बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर आप लाइव इस चीज को ना करें, बिकॉज ये हम उस कंडीशन में नहीं रहता कि हम आपको लाइव या आपको दे सकें इस तरीके से, या सोशल मीडिया पर आप उसको अपलोड कर सकें, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। इसलिए मैंने इस पेशेंट का कोई भी लाइव वीडियो या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मैंने अपलोड नहीं किया है, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। एंड मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के, आपने टेस्टिमोनियल देखे होंगे, कि मैं कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन हम नहीं देते पेशेंट को। इसका रीजन यही है कि पेशेंट को रिकवरी हमें देनी होती है, एंड उनको रिकवरी के लिए उनके ट्रीटमेंट को, जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं उन पे, वो एक पूरी तरीके से सेफेस्ट रहता है, और वो पेशेंट पूरी तरीके से, एक होता है ना कि पेन से रिलीफ होना, या उनके मूवमेंट में इंक्रीज होना, या उनके डिजीज को रूट से रिकवर करना, ये रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हम उसको लाइव नहीं कर सकते, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। सो ये सभी लोग इस लाइव में कनेक्ट हैं, ये सब जानते हैं कि हमने कोई भी ट्रीटमेंट के टाइम पे ना ही कोई मेडिकेशन, ना ही कोई एक्सरसाइज, ना ही कोई एक्सरसाइजेस मैंने बोला है आपको, ना ही कोई मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया है आपको, मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम पे हम केवल फोकस करते हैं कि हिप जॉइंट को कैसे रिकवर किया जा सके। अल्फिया शेख सर, गुड मॉर्निंग, मुझे पहले से काफी आराम है, मेरी 1 मंथ की मेडिसिन खत्म हुई है, 2 मंथ की मेडिसिन स्टार्ट करने, 2nd मंथ की मेडिसिन स्टार्ट करने वाली हूँ। अल्फिया, गॉड ब्लेस यू, आप अच्छे से फॉलो करिएगा, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से हम आपको बाहर ला पा रहे हैं, तो बहुत केयरफुली, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया है वैसी कंडीशंस में आपको वैसा ही फॉलो करना है। मैंने पहले बताया था कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ये, हम उस सिचुएशंस में ट्रीटमेंट आप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से फोकस के साथ में आप ट्रीटमेंट को आगे बढ़िएगा। ओके, कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इस लाइव के थ्रू भी आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रमोद कुमार, 1 सेकेंड, प्रमोद कुमार, गुड मॉर्निंग प्रमोद, वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। उत्तम चौहान सर, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू गिव टू एवियन पेशेंट?
उत्तम, इट इज अ कंप्लीट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पेशेंट्स जो कि हम अप्लाई करते हैं। पेशेंट्स में जो पेशेंट की रिकवरी रहती है उसी के अकॉर्डिंग, या कंडीशंस रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। या उत्तम चौहान सर, इट इज लाइक अ थेरेपी इज लाइक कपिंग, या लॉट्स ऑफ ट्रैक्शन इट इज। यस उत्तम, लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडेड, एंड मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट खुद करता हूँ अपने बिहाफ पे, क्योंकि आपने या क्योंकि आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया या लिया है आपने लास्ट, तो आपको पता होगा कि हम किस हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं खुद हर पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, एंड विद माई ओन हैंड्स इन द मैनुअल ट्रीटमेंट, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ वैक्यूम्स एंड थेरेपी, सो दैट्स वाई मैं खुद पेशेंट को अप्लाई करता हूँ, तो इसलिए आप उसको देख सकते हैं। और आप पेशेंट जो मुझसे ट्रीटमेंट के लेके जा चुके हैं, आप उनसे भी इस लाइव में, क्योंकि लाइव में मैं बहुत सारे पेशेंट मेरे ओवर भी कनेक्ट हैं, तो वो भी जानते हैं कि ट्रीटमेंट को अप्लाई मैं खुद करता हूँ। सचिन चोल के सर, अभी पेन में बहुत रिलीफ है पहले से, लेकिन मोमेंट अभी भी मोमेंट्स अभी अभी भी ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। एक्सरसाइज करते वक्त मुझे वन सेकेंड, एक्सरसाइज करते वक्त मुझे पेन होता है सचिन। मोमेंट में अभी पेन में बहुत रिलीफ है सचिन। देखो ऐसा होता है कि अगर एक्सरसाइज के टाइम पे आपको पेन में या मोमेंट में या पेन में पेन बढ़ रहा है, तो आप ये फोकस करिएगा कि थोड़ा सा हम किस मोमेंट को, हम जिस प्रॉब्लम आ रही है, किस मोमेंट में इश्यूज आ रहे हैं मुझे आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एडवाइस कर पाए कि आपको किस कंडीशन में कैसे फॉलो करना चाहिए। होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपको कोई भी पेशेंट ने एक्सरसाइजेस किया, तो उस एक्सरसाइजेस को अगर आपने एग्जैक्टली नहीं फॉलो किया, अगर आपने उस चीज को अच्छे से, जैसे मैंने बताया है पेशेंट को कि आपको अगर वैसे आपने फॉलो नहीं किया, देन आप क्या कर सकते हैं उसमें, देन आपको उस एक्सरसाइज के मोमेंट में चेंजेस करने होंगे। होता क्या है कि जब पेशेंट को मोमेंट एग्जैक्टली मोमेंट कर रहे होते हैं वो, तो उस टाइम पे कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ मूवमेंट गलत होते हैं जिसकी वजह से उनको सडन पेन स्टार्ट होता है। अगर पेन में रिलीफ है ऐसे, तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सचिन। तो फोकस करिएगा, बहुत क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे मूवमेंट को कितना कितना स्टार्ट करना है और कैसे इनिशियली इंक्रीज करना है उस चीज को, ठीक है। देखिए सचिन कुलकर्णी सर, मैं एक्सरसाइज बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो, लेकिन पेन की वजह से नहीं हो पाता। सचिन बिल्कुल, मैंने जही जैसा मैंने बताया ना, सेम क्वेश्चन आपने आप फिर से मुझे पूछा है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको जब भी पेन हो रहा है तो आपको वहीं स्टॉप करनी है, जिस जगह पर जिस मोमेंट में एग्जैक्टली पेन फील हो रहा है आपको वहीं पर स्टॉप करना है। वन सेकेंड ब्रिजदास सर, मेरे मेरे को जब दवाई दी है फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का, 5 प्रकार की जो गोली दे, दो दो लेने की बोली है, और 2 पैकेट यूज करके, यूज कैसे करें ब्रिजदास? एक काम करिएगा, आफ्टर दिस लाइव, बिकॉज आपको मुझे तो शायद मेडिकेशंस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप मुझे, मैंने आपको नाम बताया हुए हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन में नाम बता रखे, तो आप उस हिसाब से जो मैंने डोजेस आपको प्रिस्क्रिप्शन में बताया हुए हैं सेम डोज आपको यूज करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस लाइव के बाद मुझसे कनेक्ट होइएगा, मैं उसके बाद मैं आपको आंसर दे रही हूँ कि क्या या कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, देन आप उस टाइमली उस चीज को फॉलो करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ब्रिजदास सर मेरे, सचिन चोल के सर, मैं 25 नवंबर को आपके पास आ रहा हूँ सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए। सचिन बिल्कुल, आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। आप क्योंकि जब मैंने पेशेंट को बताया हुआ है कि आपको इस तरीके से इस रेगुलर इंटरवल्स में आपको ट्रीटमेंट के लिए या आपके कंडीशंस में ये रिक्वायरमेंट है, तो आपको उस हिसाब से फॉलो भी करना होगा सचिन। और जो आपके इश्यूज आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको गाइड किया है, अप टू 25 आप वैसा ही फॉलो करेंगे, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। संदीप कुमार,
चल सर एक्सरे यहाँ से करा के आया आऊं या वहीं पे? सचिन आप अगर आप एक दिन पहले ही आप एक्सरे करा के आते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हमें रिसेंट एक्सरे चाहिए होगा तो आप रिसेंट एक्सरे अपने यहाँ से भी करा सकते हैं इजिली। संदीप कुमार सर अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है क्या? अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट आपने बहुत सारे बार जो क्वेश्चन संदीप जी ने पूछा है, संदीप जी बिल्कुल होता है। आपकी रिपोर्ट मुझे पहले व्हाट्सएप करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम आपको एडवाइस कर पाए कि किस कंडीशंस में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं फर्स्ट। दूसरी चीज कि आपका अर्थराइटिस में कौन से स्टेज पर अर्थराइटिस है सेकेंड, एंड अर्थराइटिस के साथ में कोई और इश्यूज तो नहीं है थर्ड वन। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग आप मुझे रिपोर्ट भी शेयर करेंगे आपको। सर अर्थराइटिस नेहा आसिफ सर मेरा फर्स्ट एवियन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के बीच का है तो मुझे कंप्लीट रिकवरी में कितना मंथ लगेंगे? नेहा आसिफ आपने मुझे देखा होगा, आपने मेरे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे जिसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि आपको इस कंडीशन में मैंने 80 डेज 90 डेज में मैंने उनको बोला है कि आपके MRI करा सकते हैं इजिली। मैंने बहुत सारे पेशेंट को रिकवर भी किया क्योंकि उनके उन्होंने अच्छे से फॉलो किया। सो अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो इट विल नॉट टेक मोर टाइम टू रिकवर टू रिजॉल्व योर वैस्कुलर नेक्रोसिस। सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो आप जस्ट, बट इस कंडीशन में आपको जल्द से जल्द विजिट करना होगा। दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट टू ऑल पेशेंट्स जिनको अभी डायग्नोज हुआ है, जिनको अभी मालूम पड़ा है, तो वो जल्द से जल्द विजिट करें जिससे हम उनको रिकवरी जल्दी दे पाए उनको। संदीप कुमार सर 17 को 2 मंथ हो जाएंगे और एक्सरे कब कराना है और कब आना है? संदीप आप मुझे 17 के बाद मुझे एक्सरे करा के आ सकते हैं या 17 के बाद मुझे आप एक्सरे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको क्या आगे फॉलोअप करना है, ट्रीटमेंट करना है या हम मेडिकेशंस के थ्रू ही आपको हम रिकवर कर पाएंगे। राजकुमार सर मैं राजकुमार आपके पास एक्सरे का फोटो भेजा था, सर एक्सरे के फोटो में कोई चेंजेस है? राजकुमार मैंने एक्सरे आपका देखा हुआ है, आपके में एक्सरे में मैंने रिप्लाई भी किया है आपको व्हाट्सएप पे, आप अगर उसको चेक करेंगे मैंने बोला है कि एक्सरे में चेंजेस इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो इश्यूज आपको थोड़े बहुत आ रहे हैं उसके लिए आपको कैसे फॉलो करना है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिवर्ट किया हुआ है। विशाल दोषी सर कैन आई यूज आइसिंग फॉर पेन रिड्यूस? ओके विशाल एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। आइसिंग अगर आपकी डिजीजेस पहले हमें देखनी है कि कौन से डिजीज है आपको, किस डिजीज में आप आइसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अगर अगर आप पेन, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, आइस पैक्स आप हर सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एवास्कुलर नेक्रोसिस की डिजीज है तो आप मैंने आइस पैक या आइस क्यूब से सिकाई करने के लिए पेशेंट को नहीं बोला है, तो वो आपको अवॉइड करना है अगर आप एवियन के पेशेंट हैं। दूसरी चीज अगर आप का कोई चोट लगी है, स्प्रेन है, देन आप उस कंडीशन में आइस पैक्स यूज कर सकते हैं ये स्प्रेन के टाइम पे, बट अदरवाइज आपको आइस पैक्स की सिकाई नहीं करनी है क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं, इस वजह से हमने अवॉइड करने का बोला है। राजकुमार सर मुझे राइट पैर में प्रॉब्लम, राइट पैर विद द प्रॉब्लम। सो राजकुमार आप के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि आपको जो मैंने एडवाइस किया व्हाट्सएप पे वैसा आप फॉलो करेंगे। सर मुझे कार चलाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ 20 किलोमीटर? सचिन अगर कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ड्राइव करिएगा, बट आपकी जो आपको जो प्रॉब्लम अगर आती भी है इन बिटवीन, अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप करिएगा, फिर मैं कुछ चेंजेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेंज करके अपने ड्राइविंग को इजिली 20 किलोमीटर तक कर सकते हैं। सर हरदयाल यादव सर एनिमा का के साथ कुछ मिलाना है क्या? मैं मेडिसिन कब से स्टार्ट करनी है? हरदयाल देखिए ऐसा होता है एनिमा के साथ मैंने बताया हुआ है आपको कि हम कुछ रॉक सॉल्ट सेंधा नमक को यूज करना है। दूसरी चीज मेडिसिन आफ्टर दिस एनिमा तब आप स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको खुद ही बेटर फील होगा, विदाउट मेडिकेशन भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने बताया कि इतने दिन के बाद आफ्टर दिस एनिमा इतने दिन के बाद मेडिसिन स्टार्ट होगी तो वैसा ही फॉलो करिएगा। मुकेश कुमार सर मिल्क पी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं मुकेश जी, आपको मैंने बहुत सारे लाइव में मैंने बताया हुआ है कि वाय आप सभी लोग कि मिल्क क्यों नहीं पी सकते, तो मैंने बताया हुआ इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप लाइव मुझे लास्ट लाइव भी देख सकते हैं उसमें मैंने इसका आंसर दिया हुआ था। सुमित सोनी सर कोल्ड डिकम्प्रेशन के बाद आपका ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बिल्कुल सुमित आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप अगर चाहें तो हमारा एक यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है
शाफकत बांग्लादेश का, जिसको मैंने 100% रिकवर किया हुआ है विद MRI, को रिकवर किया हुआ है पेशेंट को। सो आप उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, उनके चेंजेस के अकॉर्डिंग आप उनको देख सकते हैं मैंने कैसे उनको नॉर्मल किया। उन्होंने भी कोई डिकम्प्रेशन के ऑपरेशन कराए थे, तो वो ट्रीटमेंट के लिए जब आए तो उन कंडीशंस में कैसे इम्प्रूव किया वो आप वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं ज्यादा होगा तो मैं उसका लिंक आपको इसी लाइव में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। MNK सर गुड मॉर्निंग सर, आई एम किशोर फ्रॉम AP। सर कैन यू यूज हार्डजो टैबलेट ऑल एवियन पेशेंट? या देखिए किशोर, ऐसा होता है कि सभी पेशेंट में हडजोल हम इजीली यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द सेफेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस और एनी अदर जॉइंट डिसऑर्डर्स। हडजोल अच्छी मेडिसिन है, हम हर पेशेंट में यूज कर सकते हैं, बट कुछ कुछ पेशेंट में हडजोल से कुछ साइड इफेक्ट्स, या उनको डाइजेशन में इश्यूज, या उनको वॉमिटिंग, या उनको नोजिया ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिले हैं, तो कुछ पेशेंट्स को मैंने अवॉइड करने का भी बोला है अगर कुछ इश्यूज उनको लग रहे हैं तो। बाकी अदरवाइज इट इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल द जॉइंट डिसऑर्डर्स। जगल भारती सर जी, मैं आपके पास 20 से 25 नवंबर तक आने वाला हूँ, आप हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेंगे? जगल भारती जी, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ हॉस्पिटल में, आप बिल्कुल ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। बसीत अमीन सर गुड मॉर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच बसीत अमीन खान, थैंक यू सो मच for your well wishings, thank you so much। Shivraj sir, आमले का जूस पी सकते हैं क्या? बिल्कुल शिवराज जी, आमले का जूस में मैंने अवॉइड करने का बोला है, आमले का ऑरेंज, आंवला, सेकेंड इमली, थर्ड वन इमली, एंड फोर्थ जैसे कि मैंने बताया आपको कि लेमन, ये सभी जूसेस आपको अवॉइड करना है। इसके बारे में मैं एक शॉर्ट्स आपके लिए अपलोड करूंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि हम खट्टी चीजों को अवॉइड करेंगे, तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको बेसिकली प्रायोरिटी में रखना है कि हम कौन सी चीजें अवॉइड कर सकते हैं फ्रूट्स में या सैलेड्स में, तो वो मैं आपको अवॉइड करूंगा, बताऊंगा कैसे करना। दत्ता माहिंद सर, मैं हम 18 तारीख आपके पास अपॉइंटमेंट चाहिए। दत्ता माहिंद, आई एम अवेलेबल, आप नवंबर में किसी भी टाइम आ सकते हैं, मैं हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हूँ तो ट्रीटमेंट के लिए, और बिल्कुल आप ट्रीटमेंट के लिए अपना व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हैं कि सर मैं इस तारीख को आ रहे हैं, या आप मुझे पहले अपने अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। सो दोनों तरीके से आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। रश्मि सॉरी शाहनवाज सर, मुझे जॉब करते हुए 1 मंथ के ऊपर हो गया है, थोड़ा पेन ज्यादा है, क्या मैं एक्सरे करवाऊँ नी और हिप का? बिल्कुल शाहनवाज, आप एक्सरे करवा सकते हैं अगर 1 महीने के ऊपर हो चुका है तो, क्योंकि आप तुरंत एक्सरे ना करवाएं, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट का एक्सरे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद ही करवा पाऊँ, जिससे कोई इश्यूज ना हो, क्योंकि रेडिएशंस रहती हैं, पेशेंट्स को अवॉइड करें इतना बेटर रहता है उनके लिए। काजल विजय सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अवॉर्ड, थैंक यू सो मच काजल विजय, थैंक यू सो मच अगेन, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से, ट्रस्ट की वजह से आई एम अवेलेबल, एंड I received the honor of best Ayurveda specialist in India. So thank you so much, आप सभी लोगों का। राम प्रताप मौर्य सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा सब कुछ ठीक है सर, मैं एक्सरे करा कर भेजता हूँ, फिर मुझे बता देना कि स्क्रू निकलवाना है, स्क्रू निकलवाना है, या फिर मैं सेकेंड विजिट करता हूँ सर, मुझे पैर पाताल है, इसलिए इसके लिए मेडिसिन चाहिए, मेरा पैर पतला है इसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए। सो राम प्रताप, देखिए ऐसा है कि एक पेशेंट ने शायद मुझे पूछा था कि स्क्रू की ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल राम प्रताप इज वन ऑफ द दैट पेशेंट जिनका स्क्रू इंसर्ट था, एंड उनमें हमने ट्रीटमेंट किया, एंड दीज आर द वेरी फाइनेस्ट पेशेंट ऑफ माइंड आवर ट्रीटमेंट। सो आप बिल्कुल इनके बारे में जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तो आप उनको देख सकते हैं। एंड राम प्रताप, आप एक काम करिएगा, अभी स्क्रू कुछ दिन तक हम इसमें रखेंगे, अगर पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है सब चीजें तो मैं खुद आपको एडवाइस करूंगा कि स्क्रू अब आप निकलवा सकते हैं, बिकॉज राम प्रताप का केस काफी अलग था, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका केस अपलोड किया था, आप देख सकते हैं कि हमने एक अनदर केस
मलेशिया का केस था विद अबास क्लेम नेक्रोसिस, आप उसको देख सकते हैं। जेठाराम चौधरी सर, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में कोई पेशेंट हो तो जिसने आपका ट्रीटमेंट लिया हो तो नंबर शेयर करना। मैं आपको बता दूं कि जेठाराम जी आप इसी लाइव में शिवराज जी थे जो कि नवल जी हैं, उनका उन्होंने ही मुझसे ट्रीटमेंट किया है, दे आर आल्सो फ्रॉम कच्छ, सो आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट हैव टेकन शिवराज जी नंबर्स एंड माय थ्रू मी बिकॉज इन सोशल मीडिया आई कांट शेयर द नंबर ऑफ एनी पेशेंट बिकॉज ऐसा होता है कि उनको पेशेंट नंबर शेयर करते हैं, लॉट्स ऑफ पेशेंट उनको कॉल करते हैं उनको रेगुलरली, इस वजह से हम आप मुझे नंबर पूछ सकते हैं, उनको नंबर शेयर कर दूंगा आपको। राजीव राठौर सर, इनर थाइज में चलते समय और घुटने में अचानक से पेन होता है और अचानक से रिलैक्स रहता है, ऐसा लगता है कि कोई नस कंप्रेस हुई हो, क्या करें? राजीव ये बहुत नॉर्मल है आप अगर, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप जब चलने में एकदम चमक आना या एकदम से रिलैक्स होना तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ मसल्स में वीकनेस है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप उस जगह पर जहां पर्टिकुलर आपको चमक लग रही है वहां पे आप गर्म पानी में नमक डालकर सिकाई, देन सेकेंड वन आप उस जगह पे जो मैंने ऑयल दिया है आपको उस ऑयल से आप उस पर्टिकुलर एरिया पे मसाज भी कर सकते हैं 3 times मीन्स मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग। इमरान, वेरी गुड मॉर्निंग इमरान। मोनिश खान सर, मेरे मुझे लिम्पिंग कम नहीं हुई है सर, एक्सरसाइज कर सकते हैं? पेन हुआ है, हो रहा है। मोनिश अभी आपको मैंने डिस्चार्ज किया कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि आपकी कंडीशंस में बहुत ज्यादा सीवियर डिजनरेशन था और एवीएन भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम और प्रिकॉशंस के साथ अच्छे से फॉलो करिएगा, अगर क्योंकि कुछ दिन के बाद आपको धीरे धीरे रिलीफ होना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जो ट्रीटमेंट आप पे अप्लाई किया कि सर टोटली सेफेस्ट आयुर्वेदा मेडिकेशन एंड आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, सो आपको थोड़ा सा टाइम आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना होगा। नेहा आसिफ सर, आपने मेरी रिपोर्ट सीख कर कहा था कि मुझे एवियन और अर्थराइटिस दोनों है, और आपने कहा था कि आपने मुझे दोनों प्रॉब्लम्स की मेडिसिन भिजवाई है। बिल्कुल नेहा जी, आप मुझे जस्ट व्हाट्सअप करिएगा, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स के ऐसे नेम होते हैं जिनको मैं मेडिसिन भेजता हूँ, और आपको मुझे अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको रिवर्ट कर पाऊंगा कि हम कैसे मेडिसिन में आपको मैंने भेजा और कैसे रिवर्ट आपको कैसे रिकवरी मिल रही होगी। सर्वेश कुमार सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरे हिप में पेन नहीं होता। थैंक यू सो मच सर्वेश फॉर गिविंग मी अ फीडबैक इन द यूट्यूब। मेरे राइट घुटने में बहुत ज्यादा आवाज आती है, अटकने की बहुत परेशानी होती है। सर्वेश उसके लिए आपको मैंने फ्लेक्शन के लिए बताया था, वो आप अच्छे से फॉलो करिएगा, इससे आपके जॉइंट में स्टेबिलिटी एंड जॉइंट में जो स्पेसिस कंटिन्यूस होने चाहिए, एक रेगुलर स्पेसिस होने चाहिए वो होंगे, जिससे ये रिजॉल्व ये प्रॉब्लम आपकी है वो इजिली रिजॉल्व हो जाएगी। हिप में प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ गुड थिंग कि आपकी हिप में आपको सीवियर ऑफ एवियन था, अगर आपको रिकवरी मिल रही है उसमें तो आप बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा कि नीज के लिए जो मैंने आपको एडवाइस किया सेम फॉलो करिएगा, तो सेम रिजल्ट जैसे हिप में मिले वैसे नीज में भी मिलेंगे आपको। आशुतोष तिवारी, वेरी गुड मॉर्निंग आशुतोष। शाहरुख सर, फोर व्हीलर से कूल्हे पे जोर तो नहीं पड़ता? बिल्कुल शाहरुख, फोर व्हीलर से फिलहाल नहीं पड़ता, आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, और मैंने कुछ पेशेंट्स को ही एडवाइस किया हुआ है, कुछ पेशेंट्स को मैंने अलाउ करने मतलब अवॉइड करने का भी बोला है उनको। संदीप कुमार सर, मैं ठीक हूँ पर थोड़ी लेफ्ट वाले पैर में कट कट की आवाज आती है। कट कट की आवाज के लिए मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को सेम चीज अभी मैंने आज भी लाइव में बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं मैंने क्या एडवाइस किया है संदीप, और कोई परेशानी की बात नहीं है, है ना। विपिन कुमार सर, खाना का कोई परहेज है क्या सर? विपिन जी बिल्कुल है, खाने का परहेज बिल्कुल है। पेशेंट को उनकी कंडीशंस के लिए मैं कुछ वीडियोस शेयर करता हूं और आप उसी वीडियोस को ही पेशेंट फॉलो करते हैं, अगर उनको एवियन है साथ साथ तो, अगर आपको जॉइंट इश्यूज है आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है तो उनके हिसाब से डाइट प्लान भी चेंज हो जाता है। प्रमोद कुमार सर, ग्रीन टी कंटिन्यू लेनी है क्या? बिल्कुल प्रमोद कुमार, ग्रीन टी आपको रेगुलर लेनी है, उससे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी होगी, आप इजीली इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी ले सकते हैं। देवगोड़ा सर, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। देवगोड़ा जी आपको दिस लाइव एंड अगर आपको रिवर्ट नहीं मिला है तो अपना नाम लिख के व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इस लाइव के बाद में आंसर दूंगा। सर जॉब में हूँ तो विंटर वेकेशन में आने का प्लान है, तो सम सजेशंस फॉर मी
देव वोड़ा, आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, या आप मुझे जस्ट अभी नाम लिख के व्हाट्सअप करिए, आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ। हेल्थ केयर परस्ते जी, सर मैं वहां से इलाज करा कर आया हूँ, मुझे करीब 10-12 दिन हो गया है, मुझे अभी हिप में दर्द हो रहा है, मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पेन रिलीफ के लिए कुछ बताइए। नमस्कार। देखिए, आपका नाम फर्स्ट मुझे व्हाट्सअप करिए, या आपकी जहाँ पे पेन आ रहा है, आपको किस जगह पे एग्जैक्टली पेन फील हो रहा है मुझे बताइए, इसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, या कैसे आपको क्या चेंज करना है अपने रूटीन में, वो मैं आपको एडवाइस करूँगा। सुशील जोशी, सर मुझे 5 साल से प्रॉब्लम है, मैं सही हो सकता हूँ? सुशील, आपकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप करिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर 9424842988 है, आप इसके अकॉर्डिंग भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करिएगा। सर, कैन आई टेक स्टेम सेल थेरेपी और रीजनरेटिव ट्रीटमेंट फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस? ओपो सर, देखिए ओपो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ पेशेंट इज इन माय हॉस्पिटल वाज टेकन माय ट्रीटमेंट आफ्टर कोर डिकम्प्रेशन एंड आफ्टर स्टेम सेल थेरेपी। ओके, सो दैट इज अ थिंग, अगर आप इफ यू वांट टू सी द रिव्यूज और फीडबैक ऑफ दैट पेशेंट, यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड इजीली यू कैन find out all the information regarding stem cell and regenerative treatment for avascular necrosis. So that is the thing, if you want to know about these things, just go to my YouTube channel and all the patients are saying about this treatment and lots of patients already took cold compression and the stem cell. So just you can saw that video and you got to know the answer of what I'm trying to say to you or to all the patients who are suffering from avascular necrosis. So, just you can check it my YouTube channel. Neha Asif, sir, आपने पाया सूप लेने के लिए कहा है 2 times, तो मैं सर सूप डेली लेना होगा या 2 से 3 दिन में एक बार ले सकते हैं? नेहा जी, पाया सूप के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी क्वेरीज आपके सामने लेके आया हूँ मैं। अगर पेशेंट्स को यूरिक एसिड है, इश्यूज हैं, तो पाया सूप अवॉइड करना होता है पेशेंट को, उनके डेजर्स अल्टरनेट्स या कुछ चेंजेस करते हैं हम उनके में। आप कोशिश करिएगा, आप सभी लोग, आपकी जो इश्यूज हैं या आप मुझे जब अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, जो पेशेंट मुझसे ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, हम उनके अकॉर्डिंग उनको एडवाइस करते हैं। जैसा कि मैंने नेहा जी ने पूछा कि ऐसा ले सकते हैं, नेहा जी इस डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, अगर कोई इश्यूज अर्थराइटिस है या ज्वाइंट इश्यूज और भी हैं, तो उस हिसाब से हम इस डाइट प्लान को मोल्ड कर सकते हैं, इजिली चेंज कर सकते हैं उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और करते भी हैं। अगर पेशेंट अच्छे से पूछते हैं मुझे कि सर ऐसा ऐसा होता है या ऐसा कर रहा है, तो हम कैसे चेंज करें, तो उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उनसे पूछते भी हैं और उनको एडवाइस भी करते हैं। तो डाइट प्लान काफी पेशेंट का चेंज भी हो जाता है, क्योंकि उनके कंडीशंस अलग अलग हैं। शेख परवेज, सर बेस्ट, अच्छा ट्रीटमेंट है सर, थैंक यू सो मच शेख परवेज। शेख तबरेजुद्दीन, गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र, आई विल कम एट 17th November फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस ट्रीटमेंट, आर यू अवेलेबल ऑन दिस डेट? डेफिनेटली आई एम अवेलेबल इन दिस डेट एंड आई एम अवेलेबल इन होल नवंबर, सो यू कैन कम इजिली कम टू अवर हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, सो आप बिल्कुल आ सकते हैं शेख। राम प्रताप मौर्य, सर जी आप से बात करना है, कब फोन करूँ मैं? राम प्रताप, आपकी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सअप करिए, इसके अकॉर्डिंग हम आपको एडवाइस कर पाए कि, या आप मुझे आपके जिस लाइव अपने वॉइस मैसेज या अपना कॉल कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्वेश्चन, शाहनवाज सर, मेरे पाँव के मसल्स में ताकत कम है, मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसके साथ साथ में डाइट में और मेडिकेशंस में कुछ खाना है क्या? बिल्कुल शाहनवाज, कुछ चेंजेस करने होंगे इसके बाद मैं आपको, अभी एक काम करिएगा, मैं कुछ मेडिकेशंस आपको रोट डाउन कर रहा हूँ, तो आप मुझे जस्ट आफ्टर दिस लाइव मैं आपको शेयर कर दूंगा। And you are asking about the medications. Okay, Shahnawaz, that is the thing. मैंने आपकी जो problem है, मैंने आपको उसको note कर लिया है। After this live, मैं एक photo भेजूंगा आपको, वो आप share कर, आपको वही follow करिएगा और वो medicines आप follow करेंगे। सौरभ ठाकरे, सर डाइट में टोमेटो और सोयाबीन
ले सकते हैं सोयाबीन, यू कैन टेक इन द डाइट प्लान, बट टोमेटो आप लिटिल क्वान्टिटी में आप यूज करेंगे। सौरभ, आई थिंक कुछ इश्यूज उनको स्टोन के भी पहले शायद हुए थे मुझे लगता है, शायद मुझे याद है शायद, तो आप एक बार देखिएगा, तो अगर ऐसे कुछ इश्यूज थे तो आप टोमेटो पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। अतुल कनवा सर, अभी तक एक्सरसाइज की कुछ रिप्लाई? एक्सरसाइज देखिए अतुल, आपको मैंने ट्रीटमेंट के लिए बोला है, कुछ खाने के लिए बता दो जिससे सर्दी में पेन में रिलीफ दे। अतुल आप एक काम करिएगा, आप इस लाइव को आप जो देख रहे हैं, इसके पहले जो लास्ट संडे मैंने लाइव अपलोड किया था, आप उस लाइव को भी देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, आप उसको देख के आप समझ सकते हैं और उसी को ही फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ये जो आप सर्दी के बारे में पूछ रहे हैं आपको रिलीफ मिल जाएगा। प्रवीण सुल्ताना सर, गुड आफ्टरनून सर, मुझे बैक साइड में टेल बोन के ऊपर थोड़ा सा दर्द है, झुकने परेशानी होती है, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? प्रवीण, आप मुझे आपकी रिपोर्ट, या आपने अगर एक्सरे या एमआरआई कराया है तो आपकी रिपोर्ट मुझे शेयर करिए, इसके बाद मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि आप कैसे क्या चेंजेस करके या क्या प्रॉब्लम है कैसे आप फॉलो करेंगे। आफ्टर दिस लाइव मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देवगुड़ा सर, रिपोर्ट व्हाट्सअप कर दी है, प्लीज देख के ट्राई करना। देवगुड़ा आप मुझे जस्ट अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा और मैं आपको तुरंत अभी आफ्टर दिस लाइव मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको रिवर्ट कर पाऊँ। हरदया सर, नॉनवेज में क्या खा सकते हूँ? नॉनवेज में एक बहुत क्वेश्चन आते हैं नॉनवेज के रिलेटेड। हरदयाल जी, मैंने आपको बताया कि नॉनवेज में आप ऐसा, आपको मैंने एडवाइस किया है कि आप चिकन कैसे लेना है, कितने दिन के बाद लेना है, मैंने आपको बताया था, तो हरदयाल वैसा ही फॉलो करिएगा। गैरेसिया गिरीश सर, हेलो, आई हैव सेंड माई रिपोर्ट, कितने दिन स्टे करना होगा? गिरीश, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको एडवाइस किया होगा, अगर आपको व्हाट्सएप पर रिवर्ट नहीं आया है तो आप अपना नाम गिरीश अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करिएगा, जस्ट मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर आंसर मिल गया है तो मैंने आपको उसी वॉइस में आपको बताया होगा कि आपको कितने दिन स्टे करना होगा हॉस्पिटल में। विपिन कुमार सर, फ्रूट्स सर, फ्रूट क्या ले सकते हैं? बिल्कुल विपिन जी, आप फ्रूट ले सकते हैं, और फ्रूट्स में मैंने कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से अवॉइड करने हैं, वो भी मैंने एडवाइस किया हुआ है, आप डाइट प्लान में जाकर देख सकते हैं। अतुल कुमार सर, अतुल करनवाल, सर्दी में दर्द ज्यादा होता है सर? बिल्कुल अतुल, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस एंड सम एटमॉस्फेयर चेंजेस, जैसे मैंने बताया कि सर्दी में पेन क्यों होता है, मैंने बताया इसके बारे में कि बैरोमेट्रिक प्रेशर के बारे में और किस वजह से प्रेशर अलाइनमेंट को चेंज करते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, इसी वजह से पेशेंट को पेन आता है, और यही रीजन है कि सर्दियों में थोड़ा सा पेन इंक्रीज होना या कम होना, ये भी एक लाइव में मैं सोचा हूँ कि बताऊँ इसके ऊपर कि वाई पेशेंट फीलिंग पेन इन विंटर्स, ये भी मैं एक लाइव में बताऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि इसमें आपको आंसर दे पाऊँ, आपको समझ में भी आएगा इजली। राधिका मालवीय सर, जिंजर ले सकते हैं? डेफिनेटली राधिका, राधिका जी आप बिल्कुल ले सकते हैं। शानवाज, थैंक यू सो मच शानवाज, एंड विश यू गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव इन दिस लाइव सेशन आर द हिल्स। सो आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि आप सब लोग इजीली इस नवंबर में ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं, आई एम अवेलेबल इन दिस हॉस्पिटल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के या इस तारीख को आप आ रहे हैं मुझे बताइएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में एबल हो पाऊँ, जिससे आपको प्राइवेट रूम चाहिए या जनरल वार्ड, बिकॉज राइट नाउ हमारे पास ऑलमोस्ट 45 पेशेंट्स है, 45-45 पेशेंट एडमिट हैं, तो उन पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि आप को मैं अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँ सभी में, तो आप अच्छे से फॉलो करिएगा, आप मुझे जस्ट अपना व्हाट्सएप पे नाम लिख के भेजिएगा, अपना डेट बोलिएगा कि इस डेट को हम आ रहे हैं, तो मैं आपके सारे रिक्वायरमेंट्स आपको अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव इन दिस लाइव सेशन, एंड आपको अगर रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे हमारी वेबसाइट पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.shivayahospital.com, एंड आप मुझे यूट्यूब पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, जिसमें आप सब्सक्राइब करके हमारी नोटिफिकेशन या किस पे हम लाइव करने वाले हैं नेक्स्ट संडे, तो आप मुझे इसको सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करके आप ये जान सकते हैं। इसके बाद आप मुझे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज शिवाय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, दैट इज अवर फेसबुक पेज, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी इन द इंस्टाग्राम, दैट इज शिवा हॉस्पिटल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, एंड वन मोर क्वेश्चन इज दैट
थैंक यू सो मच सर. रक्त शुद्धि के लिए ले सकते हैं कुछ? बिल्कुल, रक्त शुद्धि के लिए कुछ मेडिटेशन ऐसे महामंजस्ट आदि को, दैट इज गुड फॉर योर वेस्कुलर नेक्रोसिस एंड योर स्किन डिसऑर्डर्स. तो आप इन दोनों के लिए इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी वरी. ओके, सो थैंक यू सो मच आजम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच.